अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज 42। आज की रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल, जो कि सर्दियों में पकने वाली सबसे ज़्यादा सब्जियां हैं, मटर, गाजर, आलू। ये मैंने सब पाव पाव और आधा किलो आलू लिए हैं, दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, स्प्रिंग ऑनियन लिए हैं मैंने इसका ग्रीन पार्ट, दो टमाटर और हरी मिर्चें। आज जो मैं भुजिया बना रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ज़रा डिफरेंट तरीके से है। हाफ कप ऑयल लेंगे, इसमें मैंने सबसे पहले प्याज और थोड़ा सा लहसुन चॉप किया हुआ दो तीन दाने डाले हैं और इनको हल्का सा फ्राई करने रख दिया है। टमाटर और हरी मिर्चें मैंने ग्राइंडर में डाल दिए हैं ताकि इसका मैं पेस्ट बना लूं, और उतनी देर में हमारा प्याज भी फ्राई हो जाएगा। प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसको भी टमाटरों के साथ शामिल करके इसकी पेस्ट बना देंगे। ये भुजिया बहुत ही मज़ेदार और ज़रा डिफरेंट टेस्ट की बनेगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लेने के बाद उसी ऑयल में इसको शामिल कर देंगे और इस मसाले को भून लेंगे। इसको भूनने के बाद जब इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो जाए तो इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले भी इसमें बिल्कुल मैंने सिंपल डालने हैं। एक टीस्पून चिली पाउडर है, क्योंकि हमने हरी मिर्चें मसाले में पहले से डाली हैं इसलिए मैंने कम डाला है। नमक एक टीस्पून है, आप अपना हद पे ज़रूर डाल सकते हैं। एक टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है कुटा हुआ और ज़ीरा है एक टीस्पून। ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है अच्छी तरह से। एक चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है, ना भी डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। इससे सब्ज़ियों का टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे पहले इसमें मटर डाल के इसको हम भूनेंगे। मटर थोड़ी ज़रा देर लगाते हैं गलने में बाकी सब्ज़ियों की नस्बत, तो इसको हम पहले डाल के इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे और भूनने देंगे। ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया। अब इसमें गाजर ऐड करेंगे और आलू को ऐड करेंगे। ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसके अंदर सॉस के अंदर ये जब पकेंगी तो इन सब्ज़ियों का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। ये देखिए मैंने अब इसको ढक के दम में पका लेना है। तकरीबन 15 मिनट बाद हमारी सब्ज़ियाँ गल चुकी हैं, बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक चम्मच जो है बड़ा भर के सूखी मेथी का ऐड किया है और जो स्प्रिंग ऑनियन थे वो ऊपर ऐड किए हैं। अगर उसको पहले डाल दें तो उनका कलर चेंज हो जाता है और टेस्ट भी। इसको बिल्कुल दम पर ऐड करेंगे, इनको अच्छी तरह मिक्स करके इसको दम दे देंगे और इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क देंगे। ये हमारी सब्जियां तैयार है, इसको अब हमने सिर्फ दम लगाना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।